यहाँ पर दी जा रही है उसके द्वारा ये यहाँ पर जिस तरह से हमारे देश में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रही है और खास कर ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। हमारे देश में लोग ऑक्सीजन के बगैर बहुत लोग मर भी रहे थे। अभी सिद्धार्थ कंपेशन ट्रस्ट के पहल से हमारे सिस्टर ब्लू लोटस और इंटरनेशनल वियतनामी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के सहयोग से यहाँ पर बोल दिया गया कि लोगों के लिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था किए हैं। क्या प्रक्रिया है सिलेंडर लेने के लिए? यहाँ पर प्रक्रिया ये है कि आप आधार कार्ड लेके आइए, साथ में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अब 5,000 सिक्योरिटी जमा होता है ताकि आप सिलेंडर ले जाने के बाद उसको रिटर्न करने के बाद वो पैसा रिटर्न भी हो किया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग जो है सिलेंडर ले जाके स्टॉक में रख देते हैं। इसलिए हम लोग 5,000 डिपॉजिट सिक्योरिटी मनी ले रहे हैं ताकि वो सिलेंडर जब रिटर्न करेंगे तो उसको फिर वापस कर दिया जाएगा। निःशुल्क सेवा जी, ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है लोगों के लिए, बोध या गया के लिए बिल्कुल निःशुल्क सेवा। 1 रुपया पैसा इसमें नहीं लग रहा है। तो लोग आ रहे हैं यहाँ पर? जी जी, लगातार 24 घंटा कॉल पर उपलब्ध है हमारा आदमी और लगातार सेवा कर रहे हैं। लगभग 100 लोग से ज़्यादा लोगों को हम मदद कर चुके हैं। साथ में रोटरी क्लब बोध गया पिछले कई दिनों से भी मदद कर रहे हैं। रात दिन 24 घंटे लगे हुए हैं लोगों के सेवा में। बीच में ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत हो गई थी जिससे हथियार के गांव के लोग और कई गांव के लोग ऑक्सीजन की वजह से मृत्यु भी हो गई है, जिस कारण नहीं मिल पाए। लेकिन अभी जिस स्थिति में ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे पास उपलब्ध है, 24 घंटे में किसी समय इमरजेंसी लोगों के लिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा देंगे। आगे भी जारी रहेगा? जी जी, आगे भी जारी रही है। और हम दिल्ली कोलकाता में भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना वहाँ पर तो फैला, ऑक्सीजन दिक्कत हो रही है, लेकिन वहाँ भी हम बात करें कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर और यहाँ पर मिले गया बोधिया के लोगों के लिए ताकि और हम मदद कर सकें। शुक्रिया। मेरा नाम विवेक कुमार कल्याण, सिद्धार्थ कंप्रेशन ट्रस्ट बोधिया।